हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर वन शोल्डर कैप बेबी फ्रॉक फॉर 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। जो रेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1.5 मीटर, और जो ब्लू फैब्रिक है वो मैंने लिया है सिर्फ 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से फोर फोर में लिया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस। आर्म होल भी मिलूंगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन टू कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मिलूंगी यहाँ पे 8.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे 1.5 बाई 4 कर लेना है, प्लस हम उसमें 1 इंच ऐड करेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 12 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मिलूंगी 7.5 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रो कर लेंगे। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रो करना है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से राउंड शेप को ड्रो कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूंगी यहाँ पे 3 इंचेस, और लेंथ में लूंगी यहाँ पे मैं 3 इंचेस। उसके बाद यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रो कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। तो मैंने यहाँ पे नेक को ड्रो कर लिया है, इस पार्ट को हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब इसमें से हमें एक शोल्डर को कट कर लेना है, तो जो हमारा आर्म होल है यहाँ से हमें इस लाइन को एक्सटेंड कर लेना है नेक लाइन तक, और हल्का सा इसमें हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने इस तरह से शेप को ड्रॉ कर लिया है, इसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने फ्रंट का टॉप पार्ट कट कर लिया है। अब हम बॉटम को कट करेंगे, तो फैब्रिक को हमने फिर से फोर फोल्ड में लिया हुआ है, और जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे हमें इस तरह से 2 फोल्ड करके रखना है, और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है लेंथ तक, तो यहाँ से हम इस तरह से क्रॉस में लाइन को एक्सटेंड करेंगे। नीचे तक, और नीचे की तरफ से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से मैंने राउंड शेप को ड्रॉ कर लिया है। बॉटम की लेंथ मैंने ली है 20 इंचेस, तो इस तरह से इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो हमने इस तरह से बॉटम के पार्ट को कट कर लिया है। अब हम इस तरह से इसे ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ से हम कट लगा के इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, कैप को कट करने के लिए हमने इस तरह से जो हमने कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक लिया था उसे 4 फोल्ड में रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से हमें 5 इंचेस पे एक मार्क करना है, और इस तरफ से भी हमें 5 इंचेस पे मार्क कर लेना है, और उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें कैप की लेंथ मार्क करनी है, तो मैं लूँगी यहाँ पर 10 इंचेस। यहाँ से भी हमें 10 पे मार्क कर लेना है, और इस तरफ से भी हम 10 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। तो 10 इंचेस का हम सर्कल कट करेंगे। उसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक और राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से शेप को ड्रॉ कर लिया है, इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो मैंने इस तरह से सर्कल को कट कर लिया है, इसे हमें ओपन करना है इस तरह से। तो इस तरह का शेप हमने कट कर लिया है। अब इसमें हमें यहाँ से कट लगा के इसे ओपन कर लेना है। तो एक तरफ से हम इसे कट लगा के इसे ओपन कर लेंगे। देखिए, यहाँ से मैंने इस तरह से ओपन कर लिया है। उसके बाद यहाँ ये जो हमारा शेप हमने कट किया है इसमें हमें थोड़ा सा हाई लो का शेप ड्रॉ करना है। तो हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे यहाँ पर, उसके बाद हमें शेप को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ से अप्रॉक्स हम
8.5 इंचेस पे मार्क कर लेंगे, यानी कि 1.5 इंच जितना हम कम करेंगे, उसके बाद इस लाइन को हम नीचे तक इस तरह से शेप को मिला लेंगे और इसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने हल्का सा हाई लो का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर जो हमारा बैक का पार्ट था उसे हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे दोनों शोल्डर्स को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें आर्म होल को तैयार करना है। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर मैंने इस तरह से बायस स्ट्रिप कट की है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हमें सिलाई करते जाना है। तो मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे, तो ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। सिलाई लगाने के बाद हम स्ट्रिप को बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इसे डबल फोल्ड करते जाना है और सिलाई कर लेना है। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे आर्म होल को तैयार कर लिया है। अब ये जो हमारा राउंड पार्ट है, इसमें हमें कैप लगानी है जो हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट है, इसके ऊपर हमारा टॉप का पार्ट है, इसे हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। और जो हमारा बैक का पार्ट है उसके साथ हम बैक का बॉटम ज्वाइन करेंगे इसी तरह से यहाँ पे सिलाई लगा के। तो ये हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है, इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब इस पार्ट में हमें कैप को लगाना है। तो सबसे पहले हम कैप को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी बॉर्डर को तैयार करना होगा। जो हमारे आउटर बॉर्डर है उसे हमें सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। इसी तरह से जो हमारा पूरा राउंड है इसमें हमें बॉर्डर को फोल्ड कर लेना है। तो मैंने इस तरह से बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारा मेन पार्ट है उसके साथ हमें इसे फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम इसे रॉन्ग साइड पे प्लेस करेंगे, जो हमने तैयार किया था। ये जो हमारा पूरा फ्रॉक है उसे मैंने रॉन्ग साइड पे रखा हुआ है। उसके बाद इसके ऊपर हमें जो हमने जो कैप तैयार की थी उसे भी हमें रॉन्ग साइड पे रखना है, यानी कि दोनों रॉन्ग साइड को हमें मिलाना है। और यहाँ से हम दोनों को अच्छे से मिलाते जाएंगे और आपको सिलाई कर लेना है इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक। और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसे सिलाई करके फिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कैप को ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद इसे हमें राइट साइड पे टर्न कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। इसे राइट साइड पे टर्न करने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे कवर सिलाई लगा सकते हैं ताकि ये यहाँ पे फिक्स हो जाए, या फिर आप यहाँ पे प्रेस लगा दें। तो इस तरह से यहाँ पे हमने कैप को फिक्स कर लिया है। तो इस तरह से आएगी हमारी कैप, यह है बैक साइड। और ये होगी हमारी फ्रंट साइड। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो यहाँ से हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेंगे। तो इसे अच्छे से रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे। तो ये जो हमारा कैप का पार्ट है उसे हमें अंदर कर लेना है, उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। और इस तरफ हमें चारों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है,
दोनों कैप को यहाँ पे अंदर की तरफ हम कर लेंगे और उसके बाद दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है नीचे तक। तो फिटिंग करके हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ से हमें 5 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। यहाँ पे हमें स्ट्रिप को लगाना है। तो इस तरह से मैंने प्लेन फैब्रिक से एक स्ट्रिप बनाई हुई है जिसे हम यहाँ पे नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। और जो हमारा दूसरा एंड है उसे हम बैक साइड पे लगाएंगे। तो बैक साइड पे भी आपको इसी तरह से सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिप फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिप को फिक्स कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो सिंपली से बैक साइड पे आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से बॉर्डर को फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो हमारी पूरी चौड़ाई में बॉर्डर फोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब ये जो हमने स्ट्रिप लगाई थी यहाँ पे आप इस तरह से कोई भी रेडीमेड फ्लावर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से फ्लावर को अटैच कर लिया है। इसे कैसे बनाना है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो फाइनली इसी के साथ ये मेरा डिज़ाइनर 1 शोल्डर कैप बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।